नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। धामपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नगर के विकास के लिए कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। पालिका बोर्ड की बैठक में महिला सभासद हिना तथा जैनब ने बोर्ड कार्रवाई की। जानकारी सभासदों को न देने का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी भी जताई। दरअसल धामपुर नगर पालिका परिसर स्थित पुस्तकालय में पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह की अध्यक्षता में तथा अधिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ला के संचालन में किया गया। बैठक में सफाई यूनियन द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाने की मांग, शासनादेश के अनुसार करने पालिका के कार्यालय जलकर प्रकाश व सफाई विभाग के निष्पक्ष सामान को नीलाम किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए 2 नई फॉगिंग मशीन, कूड़ा उठाने के लिए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने का प्रस्ताव भी पास किया गया। नगर में सफाई विभाग में डोर टू डोर अलग अलग कूड़ा एकत्र करने हेतु 15,000 डस्टबिन खरीदने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में MRF सेंटर तथा पॉइंट के संचालन हेतु निजी संस्था NGO को दिए जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही नगर पालिका का शेल्टर होम को भी गो तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ला ने बताया कि शासनादेश में संविदा कर्मचारियों को स्थायी पद पर होने या न होने का कोई जीव स्पष्ट नहीं है, इसलिए तरुण कुमार के मामले में कार्मिक विभाग से रिपोर्ट मांगे जाने प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सभी सभासदों ने पास कर दिया गया। अब तरुण कुमार की नियुक्ति का मामला कार्मिक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड की बैठक के दौरान वार्ड नंबर 6 की सभासद हिना तथा वार्ड नंबर 10 की सभासद जैनब ने पालिका प्रशासन पर पालिका सभासदों को कोई भी प्रस्ताव की जानकारी न देने तथा अन्य प्रस्ताव के नाम पर मनमर्जी से प्रस्ताव लिखने का आरोप लगाते हुए अनेक गंभीर आरोप लगाए। महिला सभासदों का कहना है कि जब सभी प्रस्ताव सभासदों की मौजूदगी में लिखे जाते हैं तो अन्य प्रस्ताव लिखवाने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए बोर्ड की बैठक में अन्य प्रस्ताव नहीं होने चाहिए। इसके अलावा नगर के सभी वार्डों में जर्जर सड़कों को सही करने, क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन के स्थान पर नई पाइपलाइन डलवाने सहित लगभग 60 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। बैठक में जेई नेपाल सिंह, बड़े बाबू पवन कुमार, अकाउंटेंट सुनील कुमार, सभासद सुमित माहेश्वरी, सभासद हिमांशु सैनी, सभासद हिमांशु सैनी, सभासद मोहम्मद वसीम सहित समस्त सभासद मौजूद रहे। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में। नीलामी कमेटी के मेंबर आएंगे, जो नीलामी लेने वाले आए वो आएंगे, वो बैठेंगे, वो
नियम होता है, ठीक है, उसमें सभासद ऊपर बैठने का कोई नियम नहीं। बोर्ड की बैठक हुई थी कहाँ? बोर्ड की बैठक हुई सर्वसम्मति से, धामपुर के विकास के लिए बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। जैसा कि आप धामपुर में देख रहे होंगे, विकास का काम चल रहा है तेजी के साथ, और आज की बोर्ड की बैठक के बाद और से गति मिलेगी धामपुर के विकास के लिए। कितने प्रस्तावों का आज पास हुआ है? प्रस्ताव लगभग 60 के आसपास प्रस्ताव थे, कुछ तो अन्य में थे, 60 वैसे थे, कुछ अन्य में प्रस्ताव थे, सब एकतर सड़क और नाली से संबंधित थे, निर्माण से संबंधित थे। और हमारी ये कार्य योजना जो मुख्यमंत्री नगरोदय योजना गई है, उसके तहत ही कई करोड़ के प्रस्ताव शासन में स्वीकृत होने गए हैं। जब ये प्रस्ताव भी पास होकर आ जाएंगे तो आपको धामपुर में बहुत अच्छा एक बदलाव दिखाई देगा, हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ बनेगा। आप सभी का धन्यवाद। सबसे प्यारा शहर धामपुर शहर।